हेलो कैसे हैं आप आई एम दाउंडर सी यू एंड डिजाइनर एट दी बालम्स सो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही आप सब्सक्राइब uh, करते रहिए सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे चैनल पे 70 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आशा करता हूँ कि ये चैनल थोड़ा आगे ग्रो भी होगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिकनकारी चिकनकारी जो वर्क होता है बहुत ही इंटेंस वर्क होता है जैसे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जैसे रेडिश कलर का जो कुर्ता है आ, दिस इज अ लॉन्ग कुर्ता सो दिस इज मेड फ्रॉम प्योर चिकनकारी वर्क विद मिरर वर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सो जैसे मैं आप देख सकते हैं जैसे ये स्काई ब्लू जो कुर्ता है विद सीक्वेंस वर्क सो हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था सो so आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिस इज द चेरी कलर दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर रेड और नॉट अ ब्लड रेड दिस इज पर्टिकुलरली चेरी कलर और हो सकता है आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है क्योंकि फोटोग्राफिक इमेजेस जो होती है उसमें स्लाइटली डिफरेंस ब्राइटर और लाइटर का होता ही है सो दिस इज़ अ चिकनकारी कुर्ता विद मिरर वर्क इसमें uh, जो चिकनकारी जो चिकनकारी जो इसके अंदर जो हुई हुई है वो आप देख सकते हैं जैसे ये डॉट्स के अंदर भी हुई हुई है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में और प्लस यहाँ पे ये यह जो मिरर है ये भी है तो तो मतलब इसमें दो तरह के वर्क हो गए चिकनकारी एंड मिरर वर्क सो यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल एंड फॉर्मल ब्राउन बटन्स का यूज़ किया है क्योंकि इससे मतलब ज़्यादा uh, शो नहीं कर सकते और फिर यहाँ आप जैसे देख सकते हैं पूरी जो इसकी लेंथ है दिस इज अ लॉन्ग कुर्ता इसके नीचे अगर आप वाइट कलर का कुर्ता या सॉरी वाइट कलर का चूड़ीदार या जो कहते हैं क्रीमिश कलर का जो चूड़ीदार है वो इसके नीचे सजेस्टेड है बाय मी तो आ, वही ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से मतलब सिंपल जितनी दिखेगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा जितना फैब्रिक के अंदर टेक्स्चर होगा जितना उसके अंदर फैब्रिक के अंदर जितना मतलब आपको दिखेगा मिरर वर्क है या चिकनकारी है या और भी किसी तरह का वर्क है जैसे इसमें सिक्वेंस वर्क है तो वो थोड़ा मतलब डिसेंट लगता है और एक होता है डिज़ाइन एलिमेंट डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर हम लोग जो कपड़े को प्लेन लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग स्टाइल करते हैं डिज़ाइन करते हैं तो इसके अंदर जैसे आपको दिख ही रहा है हमने मेरे वर्क करवाया है तो ये आप अपने जैसे कि कोई फंक्शन होता है जैसे आपकी फ़्रेंड की शादी है और आप उसके हल्दी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये जो कुर्ता है वो आप ईज़िली अपने आप पर पहन सकते हैं या कोई आपके ब्रदर इन लॉ की या किसी की भी जो छोटा फंक्शन होता है जैसे हल्दी की सेरेमनी हो गई रिंग सेरेमनी सॉरी रिंग सेरेमनी तो थोड़ा फंक्शन हो जाएगा उसमें तो मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप किसी बनाऊंगा जैसे अचकन हो गई या और भीजन होते, होते, जो जो होते हैं जैसे किसी की हल्दी की रस्म हो गई या कहीं पर जैसे किसी लड़की वाले अगर आपके घर पर आ रहे हैं लड़के को देखने आप वो बॉय हो जिसे आपको देखने आ रहे हैं तो आप जो है वो पहन सकते हैं चिकनकारी के जो कुर्तेज होते हैं वो पहन सकते हैं और भी ऐसे छोटे मोटे फंक्शन है जैसे कोई किसी का बर्थडे है आप घर के अंदर ही मतलब नॉर्मल दस बीस लोगों के अंदर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अगर आपका बर्थडे है तो फिर आप ये इस तरह के कुर्ते जो हैं वो पहन सकते हैं सिंपली इसके अंदर अगर आप चूड़ीदार भी नहीं पहनना चाहते हैं तो इसके नीचे ट्राउजर्स जो आती है जो कि Uh, मतलब नैरो फिटिंग की होती है वो भी आप स्टिच करवा के और पहन सकते हैं जैसे आपके कॉलेज का फर्स्ट डे होता है तो उस टाइम जो पार्टी होती है उसके अंदर आप ये जो एथनिक वेयर है वो आप पहन सकते हैं और जैसे आपके घर के अंदर जैसे कोई भी फंक्शन होता है जैसे किसी के बेबी बॉर्न होता है उस टाइम बेबी शॉवर का जो फंक्शन होता है अपना इंडिया के अंदर उसमें भी आप ये कुर्ता है उसको पहन सकते हैं सो so ये सारे के सारे अपना मतलब इंडिया के अंदर तो खूब सारे कल्चर्स है खूब सारे ओकेजन है छोटे मोटे फंक्शन हमारे घरों में हमेशा होते ही रहते हैं इवन आप अपने खुद के बछड़े पे इसे अगर पहनेंगे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी उसकी फोटोज आपके इंस्टाग्राम पर जाएगी तो सबको लगेगा कि हाँ आपने कोई इंडियन एथनिक वेयर जो है वो पहने हैं जैसे टी शर्ट्स और ये सब जींस और ये तो हम लोग पहनते ही हैं बट इंडियन जो वियर है इंडियन एथनिक वेयर जो है जो ओकेजनली पहने जाते हैं और ये दिस इज दीज आर ऑल मेड फॉर ओकेजन ओकेजन ओनली सो so इसीलिए इसे कैरी करने में आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए सो दीज आर और अनरियलिस्टिक फैब्रिक अनरियलिस्टिक फैब्रिक्स जो हमने डेवलप किया है वो सारे के सारे मतलब सेलेक्टेड फैब्रिक्स है उसके अंदर जैसे किसी भी फैब्रिक को अगर अपन जैसे कुर्ता बनाते हैं या और भी कुछ बनाते हैं या सूट बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो ही करेगा और ग्रो क्यों करेगा क्योंकि हर पर्सनैलिटी अलग होती है इसीलिए जो भी इन स्टोर के अंदर हमारे वॉक इन होती है उन सबकी पर्सनैलिटी को देख के फिर मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ सो यूट्यूब की जो जर्नी है वो मैंने अभी स्टार्ट करी है सो so, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप किस तरह से पहने क्या पहने कब पहने क्यों पहने ये सब जो चीजें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा और ये सारी बातें मेरे दिल से आती है कोई भी इसमें किसी भी तरह का वो नहीं है हिचकिचाहट मुझे बोलने के अंदर हाँ थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है क्योंकि यूट्यूब पर मैं नया हूँ बट ये सारे के सारे जो टिप्स है वो मैंने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जब से अपनी फैशन जर्नी जो है ऑन्टरप्रिनरशिप जर्नी स्टार्ट की थी तब से मैं ये सारे टिप्स जो है क्लाइंट्स को देता हूँ आप जो कैमरे के पीछे हैं आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा क्योंकि वहीं से हमें फीडबैक मिलता है वहीं से हमें काम करने का और मोटिवेशन भी आता है और प्लीज़ लाइक भी करिए चैनल को और जो नोटिफिकेशन जो बेल है उसे भी आप दबाए उससे भी आप दबाइए और ऑल पे कीजिए क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी नई जो फैशन की जो न्यूज आ, फैशन का जो अपडेट है जो हमारे ब्रांड का जो फैशन अपडेट है वो मैं जब भी लेके आऊंगा तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा फटाफट से आप वीडियो को देख भी लेंगे सो so, एक बार देखा हुआ वीडियो अपने दिमाग में हमेशा रहता है हमेशा अपने दिमाग में जो है वो स्ट्राइक करता है क्योंकि इसी से मतलब आपको पता लगता है कि आपको क्या पहनना चाहिए कब पहनना चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजनस भी काफ़ी सारे होते हैं हमें क्योंकि दूसरे काम भी होते हैं और मतलब इन सब चीज़ों के अंदर भी सोचने का जो है टाइम चाहिए सो so, आप इस चैनल पर बने रहिए मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला दूंगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आपको सब्सक्रिप्शन भी जो है वो भी मिलता है सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए नमस्कार